भाई आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या 2024 में पॉलिटेक्निक करना सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। कई सारे लोग तो तैयारी में ही अपना 5-5 साल, 6-6 साल का समय बर्बाद कर दे रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन सारी बातों को लेकर के आपके भी दिमाग में टेंशन है ना, और आपके पेरेंट्स के भी दिमाग में टेंशन होगा कि क्या ये कोर्स करवाना सही है इस समय या नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप लोग भी 2024 में पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो क्या 2024 में पॉलिटेक्निक करना आपके लिए एक बेहतर डिसीजन हो सकता है या नहीं। ठीक है, और अगर 2024 में पॉलिटेक्निक आप कर रहे हैं तो आपको जो है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, और उसके बाद ताकि जो है आप एक कम से कम रिस्पेक्टेड जॉब ले सके अपने डिप्लोमा पास आउट होने के बाद। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज आपको देखना है कि अगर आप 2024 में डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अनुसार आप या तो 10+2 के स्टूडेंट्स होंगे या फिर आप 10th के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है इसी के बाद अपने डिप्लोमा कोर्स को करते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो कि बीएससी के बाद भी करते हैं, उनका कुछ खास उद्देश्य रहता होगा जिसके लिए वो करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो समझना है वो ये चीज समझना है कि 2024 में पॉलिटेक्निक का क्या स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है। ठीक है, तो करना सही है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम अगर स्कोप के बारे में बात करेंगे, करना सही है या नहीं है, तो इस समय जो है आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, पहला तो आता है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कोर्स किया तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलेंगे, यानी सरकारी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, और एक आपके पास आता है कि आपके पास जो है प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। तो आप समझ के चलो कि डिप्लोमा कोर्स 2024 में करना इस समय सबसे ज़रूरी है और सबसे बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन कोर्स इस मामले में है क्योंकि इसको करने के लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत ही कम अमाउंट में आप इस कोर्स को कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत कम अमाउंट में इस कोर्स को तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपके पास जो है दोनों सेक्टर में पर्याप्त अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आपको प्राइवेट नौकरी तो बड़ी आसानी से मिल जाती है ना। लेकिन आप कहोगे सर प्राइवेट नौकरी मिलती तो है लेकिन उसमें जो है हमें बहुत अच्छी सैलरी जितनी एक्सपेक्टेड होती है उतनी नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी जॉब के फेज में जाते हो, चाहे आप डिप्लोमा करके जाओ या फिर बीटेक करके जाओ, तो आप ये सोचोगे कि बहुत अच्छी सैलरी पैकेज स्टार्टिंग से ही मिल जाए आपको, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सैलरी अगर आप अच्छी लेना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मान करके चलो कि आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और यहां पे अगर आपको ग्रो करना है तो कम से कम 3 से 4 साल आपको इंडस्ट्री में देना पड़ेगा, जिसमें से 1 से 2 साल आप जो है स्ट्रगल करेंगे स्टार्टिंग पीरियड में, वहां पर आपको बहुत अच्छी सैलरी पैकेज नहीं मिलेगी। लेकिन 2 से 3 साल के बाद जब आप लगातार कंपनियों को स्विच करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूअस कंपनी स्विच करने से ये फायदा मिल रहा है कि भाई जॉब बड़ी आसानी के साथ मिल जा रही है, और हर कंपनी को चेंज करने पे अप्रोक्सीमेट आपके 8 से 10 हज़ार रुपए तक सैलरी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो कि आपने जो है अपनी कंपनी स्विच की, पहले आपकी सैलरी 20 हज़ार थी तो अगली कंपनी में जाओगे तो वो 30 हज़ार आपको देगा। ठीक है, तो ये आपका है, इस तरीके से आप प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ करते हो। बात रही गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास यहाँ पे आने के लिए आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो है एग्जामिनेशन होते हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्टिंग से ही बेहतर रहती है। ठीक है, बाकी अन्य तमाम कोर्सों के बारे में कंपैरिजन करें और डिप्लोमा कोर्स के बारे में कंपैरिजन करें तो आपको ये बात मालूम चलेगा कि आप किसी भी अन्य कोर्स को करोगे तो जितनी आसानी से आपको नौकरी नहीं मिलेगी उतनी आसानी से आपको जो है यहाँ पे आपको डिप्लोमा कोर्स करने के बाद जो है डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और यहाँ पे प्राइवेट में भी आपको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट में भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तो ऐसा होता था कि वैकेंसीज का कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन अब तो लगभग जो है मैक्सिमम
मैक्सिमम चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनियां हो या फिर गवर्नमेंट के जितने संस्थान हैं जैसे इंडियन रेलवे हो गया, नेवी हो गया, ये लोग जो है अब अपना कैलेंडर भी जारी कर दे रहे हैं, जिससे ये पता चल जा रहा है कि एक साल में जो है वो कितनी ज़्यादा वैकेंसी देने वाले हैं आने वाले समय में। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को भी फोकस कर सकते हो। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी रहेगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। पोस्ट की भी बात करें, अगर गवर्नमेंट में अगर आप पोस्ट की बात करोगे तो डिप्लोमा लेवल पे आपको ज़्यादा पोस्ट पे नौकरी देखने को मिलती है। डिप्लोमा लेवल पे आपको काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट पे नौकरी देखने को मिलती है। बीटेक लेवल पे आप देखोगे जितना हाई लेवल पे जाओगे पोस्ट की संख्या बहुत कम होती जाएगी, लेकिन डिप्लोमा पे अच्छी खासी आपको पोस्ट भी नज़र आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। और मान लो कि कोई स्टूडेंट्स है वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, साल दो साल किया हो, अब उसे लग रहा है कि अब हमारी जो है हमारा जॉब इसमें नहीं लग पाएगा या फिर हम इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो उसके पास जो है एक अनदर रास्ता भी है और वो रास्ता है आपका प्राइवेट जॉब का। ठीक है, मतलब कि एक कोर्स जिसको अगर आप मान लीजिए कि आपके पास बैकग्राउंड मतलब आपके पास सपोर्ट एक रहता है, प्राइवेट जॉब का एक सपोर्ट आपके पास रहता है, तो जब सपोर्ट किसी के पास रहता है ना तो आप चाहोगे तो गवर्नमेंट में भी तैयारी करने के लिए तो आप फ्री माइंड से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे सक्सेस नहीं होंगे तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप टाइम देंगे तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ हो जाएगा। तो आप लोग जो है किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अगर आप डिप्लोमा कोर्स करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस कोर्स को करिए, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में भी इसका डिमांड है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा डिमांड है, तो आप निश्चिंत होकर के आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को दे देंगे। बाय बाय, टेक केयर।